दोस्तों ख्वाहिश होती है ऐसी जगह पर रहने की कि जहाँ की खिड़कियों से जाके तो बस पानी बहता दिखे। तो चलो आपकी ख्वाहिशों को हकीकत में बदला जाए। तो हेलो मेरे भाई और उनकी बहनों, आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं आपको बताऊंगा जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, होटल सरोवर, बहुत ब्यूटीफुल है। शुरुआत से लेके अंत तक आप बने ही रहेंगे। चलो अंदर चलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं होटल के बेसमेंट से, जहां से दिखने वाला व्यू काफी खूबसूरत है। और ये खूबसूरती आप बेसमेंट की बालकनी में बैठ के रियली एंजॉय कर सकते हो। अब प्रयाण करते हैं हमारे रूम की ओर। रूम छोटा और खिड़कियों से दिखने वाला नज़ारा बड़ा बेहतरीन है। खिड़कियों से झांकने पर नदी के उस पार दिखती है पूरी उदयपुर सिटी। जितनी बार देखोगे उतना पता नहीं क्यों और ज्यादा देखने का मन करता रहेगा। होटल में सवेरे ठीक 11:30 बजे हमने प्रवेश किया था। भूख लगी थी तो एक सैंडविच ऑर्डर की। सैंडविच थी तो बढ़िया, बट रेट आप गेस करके रखो, क्योंकि ये सैंडविच का रेट मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ सैंडविच पे। ब्लॉग के आखिर में आपको रेट बताए दूंगा, आप गेस कीजिए। फिलहाल ये रील एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब आपको हमारी होटल की छत पे ले जाते हैं। तो दोस्तों अभी शाम होने को आई है, एक्चुअली शाम हो गई है, अब रात होने को आई है। पर ये रेस्टोरेंट के छत का नज़ारा देखो यार, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल व्यू है। और मैं कितना यार ब्यूटीफुल लग रहा, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल तो लड़कियाँ लगती है, कितना हैंडसम लग रहा हूँ यार। प्लीज़ आप आइए इस रेस्टोरेंट में और शाम टेरेस पे बिताइए यार, पैसा वसूल हो जाएगा। ये नज़ारा देखो, ये टेबलों का अरेंजमेंट देखो यार, तो मस्ट विजिट यार यार। और ये कॉर्नर वाला टेबल देखो यार, आप अगर बड़े ग्रुप में आए हो तो यहाँ बैठ सकते हैं। क्या यार बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम बोट जैसा लग रहा है, टाइटेनिक जैसा। और बहुत बढ़िया माहौल है यार, आई हैव नो वर्ड। दोस्तों अब आ गए हम डिनर के लिए। अब मैं रिव्यू करूंगा कि इस होटल का डिनर कैसा है, तो जो भी रेटिंग दूंगा सच दूंगा। तो चलो पहले डिनर ट्राई करते हैं। अंदर पे तो दोस्तों अभी फर्स्ट बाइट लेने जा रहे हैं चिकन मलाई टिक्का। कैसा है आपको रिव्यू तुरंत देता हूँ।
काफ़ी सॉफ्ट है एंड बढ़िया है, बढ़िया है, सॉफ्ट एंड बढ़िया है। आई गिव अ 4 out of 5, बढ़िया है। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं बटर चिकन। एक बाइट तो ले लिया है बिकॉज मम्मी कह रही थी स्वीट है। इसको मैं एवरेज नहीं, बिलो एवरेज स्टार दूंगा, मतलब 2 star out of 5। स्वीट नहीं होता तो और अच्छा होता, जो स्वीटनेस है उसने टेस्ट बिगाड़ दिया। टेस्ट बिगाड़ दिया। समय समय पे खाते पीते रहना चाहिए और समय समय पे रील वीडियो भी लेना चाहिए। तो चलो आपको रील वीडियो हम बताते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। पर अब आते हैं हम कॉन्क्लूजन पे कि इस जगह के बारे में मुझे क्या अच्छी चीज़ लगी, क्या बुरी चीज़ लगी, मैं रिव्यू दूंगा। तो क्या चीज़ अच्छी लगी? सब कुछ अच्छा लगा यार, क्या चाहिए। 4000 रुपये में हम 4 लोग यहाँ ठहरे और इतना ब्यूटीफुल व्यू मिला, दूसरा क्या चाहिए। अब नेगेटिव चीज़ की बात करता हूँ तो कुछ नेगेटिव लगा ही नहीं। हाँ, एक चीज़ नेगेटिव लगी कि यहाँ स्विमिंग पूल तैरने के लिए नहीं है, पर यह नज़ारा देखो, आपकी आंखें तैरने लगेगी। इतना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना ब्यूटीफुल सामने से नदी बह रही है, तो फिर ये नेगेटिविटी तो नहीं कह सकते। पर असली नेगेटिव चीज़ मुझे लगी हाँ, यहाँ का फूड यार। मैंने आप वीडियो देख रहे हो, वो सैंडविच ऑर्डर की थी, पूरी एक सैंडविच का प्राइस है 500, एक मसाला पापड़ का प्राइस है 150। यार यहाँ तो लूट मचा रखी है, रहने से ज़्यादा तो खाना महंगा पड़ रहा है। बाकी बस यही नेगेटिव चीज़ लगी कि यहाँ खाना बहुत महंगा है, आप एफोर्ड कर सको तो करो, बाकी रूम तो आप एफोर्ड कर ही सकोगे और इतना ब्यूटीफुल आपको व्यू मिल रहा है तो दूसरा क्या चाहिए। तो बस यूँ ही उड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। दिस इज तपन ओकाना साइनिंग ऑफ फ्रॉम उड़ता फिरता। तब तक के लिए टाटा बाय, बस यू, टेक केयर, आओ जो।